Hi everyone, my name is Banamali Bora. I am your art teacher. Today we are going to know some basic rules of art. The first one is proportions. तो proportions के बिना drawing में कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है. जैसे कि आप एक आदमी बना रहे हो, आदमी यदि अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है आपका कार्टूनिस्टिक हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि उसका proportions mistakes है. या फिर आप एक पेड़ बना रहे हो, पेड़ के हिसाब से घर बना रहे हो, घर के हिसाब से आदमी बना और आपको ऐसा लग रहा है कि आदमी बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये है उसमें क्या मिस्टेक्स हो रहा है, प्रोपोर्शंस का मिस्टेक्स हो रहा है. तो प्रोपोर्शन का बेसिक समय समझने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज द साइज, मतलब हाइट के हिसाब से इसका ब्रेथ कितना है या ब्रेथ के हिसाब से डेप्थ कितना है. तो किसी भी एक 3D चीज का कितना डायमेंशन होता है, देयर आर 3 डायमेंशन, वन इज कॉल्ड हाइट, वन इज कॉल्ड ब्रेथ, वन इज कॉल्ड लेंथ. तो उस हिसाब से आपको चीजों को जानना जरूरी है. एज एग्जाम्पल, आई मेक ए स्क्वायर, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर, इज दिस इज कॉल्ड 1:1. इमेजिन दिस द साइज इज द 4 inches, देन दिस ऑल्सो 4 inches, देन बोथ साइड इज इक्वल. तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसका जो रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, प्रोपोर्शन को 1:1. Got it? मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं proportions एक्सप्लेन कर रहा हूं. अब ये स्क्वायर एक 2D शेप है, इस शेप का proportions क्या है, लेंथ के हिसाब से ब्रेथ या हाइट के हिसाब से ब्रेथ, कोई से भी 2 dimension, क्योंकि ये 2D शेप है. तो सो उसके हिसाब से ये दोनों इक्वल है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, 1:1. सेम लाइक दैट आई ड्रॉ अनदर शेप, दिस इज अ रेक्टेंगल. If I ask him what the proportions of the rectangle is, can you guess? I compare the both dimension, like this size I compare with this size, then if I divide 2 part, it means this size is 1:2. It means if this size is a 4 inches, then this size is 4 and 4, total 8 inches. So this ratio is called 1:2. Same like that, I make another rectangle. I am asking what the proportion is of the this rectangle. You just compare according to the dimension. This is the breadth. So according to 1 and 2 and 3, it means what the size of this proportion is, of the shape is 1:3. Got it? तो so proportions का मतलब क्या होता है, किसी भी चीजों का जो साइज है उसको हम बताते हैं, साइज को हम कंपेयर करते हैं पर्टिकुलर एक डायमेंशन के हिसाब से. यदि मैं बोलू मैं कितना ऊंचा हूं तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मैं अपनी हेड के हिसाब से कंपेयर करूंगा. जैसे If this is the one unit के हिसाब से कितना होगा, मेरा शोल्डर कितना है, मैं पूछूं तो वन हेड को मैं ऐसे करके कंपेयर करूंगा. इसका मतलब हेड के हिसाब से मेरा शोल्डर कितना है, डबल है. तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कंपेयर विद द हेड विद द हैंड. सेम लाइक दैट आई कंपेयर द बॉडी विद द प्रोपोर्शन ऑफ द हेड. तो इट मीन दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस, मतलब एक चीज है दूसरे से क्या साइज है, या फिर एक पर्टिकुलर साइज का उसका इंडिविजुअल प्रोपोर्शंस क्या है. अंडरस्टैंड? तो लाइक दैट स्क्वायर में मैंने बोला स्क्वायर में 1:1 प्रोपोर्शंस है, हियर द रेक्टेंगल 1:2 रेशियो है, सेम लाइक दैट 1:3 रेशियो है. नाउ आई मेक समथिंग, व्हाट कैन आई मेक फ्रॉम द स्क्वायर, यू कैन मेक एनीथिंग, यू कैन मेक ए बिस्किट, यस यू कैन मेक ए स्टूल, एंड आई कैन मेक ए क्लॉक फ्रॉम द स्क्वायर. सेम लाइक दैट आई कैन मेक ए कप. See how I make this. First of all, I convert this top to an oval. After that, I give some curve on both sides like this. I give some light shade here. Then I draw the handle of this cup. See, I make a cup from a square. So if I am asking what the proportions of this cup is,
यू टेल व्हाट वन इज टू वन राइट सेम लाइक दैट दिस इज ए वन इज टू टू प्रोपोर्शन व्हाट कैन आई मेक फ्रॉम दिस रेक्टेंगल इमेजिन कैन आई मेक ए ग्लास यस यू कैन मेक ए फ्रिज ऑल्सो यू कैन मेक ए रेक्टेंगल डोर ऑल्सो यू कैन मेक ए वॉशिंग मशीन ऑल्सो वट एवर इमेजिन यू कैन ड्रॉ बट प्रोपोर्शन को आपको पता होना चाहिए नाउ आई ड्रॉ ए ग्लास प्रोपोर्शन टू द कप सेम लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ ए कप ऑन द टॉप देन आई चेंज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल आई कर्व द बॉटम देयर सम वाटर ऑल्सो To show what the proportions of the glass is, you tell 1 is to 2. Got it? What the proportion is? 1 is to 2. Our cup se ye kitna guna bada hai? Dugna bada hai. Kitna? Dugna. Iska matlab, iske hisab se double height hai. Now I come to this shape. What the proportion of this rectangle is? 1 is to 3. 1, 2, 3. This is the 1. So what can I make from this rectangle? Imagine. Yes, we can make a bottle also. So I convert this shape to a bottle. First of all, in the top, I draw a cap. Then I curve the top like this. See? Then I change the form of this shape. Just I convert the shape. Like that, I just draw the bottom. Now I draw a level also. Okay, see how I easily draw this bottle. So now, what the proportions of the bottle is? You tell 1 is to 1, 2, 3. तो सो कप से ये दुगना बड़ा है और ग्लास इससे कितना बड़ा है इसको हिसाब से आप कप से कंपेयर करेंगे तो कप के हिसाब से ये 1:3 है कप के हिसाब से ग्लास 1:2 है और कप का साइज क्या है 1:1 है तो सो टुडे आई एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइंग द मेन प्रिंसिपल्स यू कैन टेल द प्रोपोर्शंस तो जब भी आप ड्राइंग करो हमेशा प्रोपोर्शंस पे आपको ध्यान देना है ठीक है गॉट इट Bye-bye. Thank you.